ये वेबसाइट का मैंने आपको बता दिया है, वेबसाइट से अगर अच्छी लग रही है तो इन्फॉर्मेटिव लग। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज काफ़ी समय बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। कहीं थोड़ा सा अपना थीसिस से रिलेटेड मेरा कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो थीसिस कंप्लीट हो चुकी है हिमाचल में, तो अब मैं फ्री हो गया हूँ थोड़ा सा। तो आज जो मैं आपको दिखाने आया हूँ, देखिए मैं यहाँ पे काशीपुर में हूँ। तो काशीपुर में गिरिताल करके जगह है, वहाँ पे मंदिर है और ये आप देख सकते हैं, इसको सिंगाड़ा कहते हैं, इसको हम सब्जी खाते हैं। तो ये मंदिर परिसर के ही अंदर है, मंदिर के उसमें आता है, तो यहाँ पे जो है सिंगाड़े की खेती हो रही है। तो दोस्तों और दूसरी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत बड़ा ताल है, यहाँ पे ऐसे करके घूमने का है, पूरा एक राउंड बनता है इस तरह से। आधे तक तो है, पहले बोटिंग भी होती थी यहाँ पे, लेकिन अब बोटिंग कम हो गई है। ये देख सकते हैं आप, दोस्तों ये देख सकते हैं आप एरिया, यहाँ पे ऐसे करके देखिए मंदिर है, मंदिर के अंदर आप लोग ऐसे करके आ रहे हैं। चमगादड़ है ऊपर, तो चमगादड़ है देखिए। तो दोस्तों अब तो थोड़ा सा धूप जैसी हट करके आ गई है, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको आगे तक ले जाता हूँ, इसमें पहले बोटिंग की हुई थी जो थी, मतलब थोड़े से मिसाल हट चलो। तो दोस्तों मैं कह रहा था कि क्या कहते हैं, काफ़ी समय से वीडियो नहीं बना पाया था, कुछ रीज़न चल रहे थे, मेरी थीसिस कम्प्लीट नहीं हो पाई थी। एक बार बनाई मैंने थीसिस, थोड़ा सा उसमें कमियाँ आ गई थी, तो मुझे दोबारा से बनानी पड़ी फिर नहीं से थीसिस, तो उस वजह से मेरा काफ़ी टाइम लग गया। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे सीखने को मिला, जो टीचर है उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, और जो मेरे स्टूडेंट मेरे साथ जो फ्रेंड हैं उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे पंतनगर के सीनियर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया, तो मैं उस चीज़ का थैंक यू बोलना चाहूँगा अपने सीनियर्स को भी। और मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था उस वजह से, क्योंकि थीसिस में कब बिजी था, फिर बीच में घर पर आया, होम स्टे में आया, तो होम स्टे में अपना काम चल गया, हल्द्वानी में वहाँ पर भी काम चल रहा था कुछ, उस वजह से वीडियो नहीं बना पाया। फिर आज मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला है, तो मैंने कहा आज वीडियो बनाई जाए और आप लोग को दिखाया जाए सिंगाड़े के बारे में डिटेल जो है स्टडी। तो मैं काफ़ी मतलब जो सिंगाड़े के बारे में कल्टीवेशन और ये सब चीज़ें जो हैं वो अभी पढ़ नहीं पाया हूँ, तो मैं अभी बता नहीं सकता, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँगा ज़रूर। नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाने मतलब इसके बारे में पढ़ूंगा और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, किसी भी दिन में रैंडमली आ जाऊंगा और मैं आपको इसके कल्टीवेशन के बारे में बताऊंगा। कहीं तालाब है तो आप कैसे कर सकते हैं। जनरली ये मंदिर का एरिया है, यहाँ पे फिशरीज नहीं कर सकते। जो ये आगे है ऐसे कर गोल घूम रहा है, ये एरिया जा रहा है यहाँ से यहाँ तक ऐसे कर गोल, ये बहुत बड़ा एरिया है, काफ़ी मतलब नैनीताल से झील के बराबर ही होगा, उससे बड़ा ही होगा शायद ये। लेकिन अभी इस समय पूरा कल्टीवेशन सिंगाड़ा को चल रहा है। तो दोस्तों होम स्टे हल्द्वानी में थोड़ा बहुत पेंटिंग एंटिंग रिनोवेशन हो गया है, अब जो है और अच्छा कंफर्ट मिलेगा, हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे कि हमारे गेस्ट जो आएंगे उनको और ज़्यादा कम्फर्ट मिले, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ सजेशंस आते रहते थे कि आप पेंटिंग करिए, यहाँ पे वॉशरूम में ये चीज़ ऐड करिए, तो वो सब चीज़ें हमने कोशिश करी है कुछ कुछ चीज़ें ऐड ऑन करने की। तो बाकी क्या कहते हैं, वीडियो आपको कैसी लग रही है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें बताएं कि हम लोग कैसे अपडेट करा जाए। देखिए वेबसाइट का मैंने आपको बता दिया है, वेबसाइट से हमारे कस्टमर्स को डायरेक्टली फ़ायदा होगा, आप देख सकते हैं। बाकी नवरात्रि का टाइम चल रहा है, अब आगे तक तो कहाँ ही जाऊँ, गोल है, चलो देखते हैं। बहुत बड़ा एरिया है ये घूमने के लिए, तो ठीक ही है, लेकिन अब धूप आ गई है थोड़ी सी, सांप कीड़े भी होते होंगे यहाँ। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ भी नहीं रहे हैं, क्योंकि अब मैंने बनाई भी नहीं वीडियो, तो कहाँ से बढ़ेंगे, ये भी है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये
कंप्लीट व्यू है। इस साइड में जो है इधर से आया था वहाँ पे मंदिर है आगे से, और ये जो है ऐसे करके वहाँ पे ऐसे करके पहले से ऐसे करके पूरा घूम के ऐसे चलना है। काफ़ी बड़ा एरिया है, पूरा सिंगाड़ों का है, आगे कम से कम जो 3-4 बीघा होगा, और 3-4 बीघे में कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन के हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि सिंगाड़े का कितना दूर। ये पूरा पानी है, अगर इसमें वो होता ना तो आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही है, कुछ इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं होम स्टे हल्द्वानी और ये आपको अलग अलग जगहें दिखाते रहूँगा। आप जैसे अगर देहरादून से आ रहे हैं तो उस साइड से अब ये पुल बन गया है यहाँ पे, तो बाईपास जो है अभी थोड़ा थोड़ा काम बचा है, मतलब मुझे लगता है 1-2 महीने में 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो डायरेक्टली रामनगर से होते हुए आप काशी से बात हो इधर पे, और दरोड़ा सागर पे, और जो अजय जहाँ पे चैती मेला लगता है वहाँ पे भी मंदिर हैं, काफ़ी ओल्ड जो है मंदिर हैं और काफ़ी पुरानी मान्यताएं हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं। और ये वाला तो देख ही लिया आपने। बाकी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस मैं अभी जब भी मेरे को टाइम मिलेगा थोड़ा सा पढ़ लूँगा, क्योंकि हम लोगों ने इसके बारे में पानी वाले एरिया में जनरली ज़्यादा होते हैं तो उतना पढ़ा नहीं है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि इसको मतलब मैंने डायरेक्ट क्रॉप पढ़ी, ये वाली क्रॉप नहीं पढ़ी है, तो मैं इसको पढ़ के आपको कभी बताने की कोशिश करूँगा इसके बारे में क्या है, कैसी कल्टीवेशन है, कितना कॉस्ट ऑफ बेनिफिट, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है, कितना कल्टीवेशन होता है। चलो फिर दोस्तों अब चलते हैं मंदिर की तरफ को, और आपको दिखाता हूँ थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में, इसको मैं कर लूँगा, थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लेते, धूप निकल गई है अब वही है। मैंने आज सोचा कि मैंने कहा आज एक्सरसाइज तो थोड़ी देर में करूँगा, लेकिन आज जो है ये घूमना भी हो जाएगा, लेकिन अलग अलग जगह पे सुबह करके अपना काम निपटा लूँगा। ये देखिए ऑलमोस्ट 2 मंथ हो गए हैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन कोई नहीं, ख़त्म तो नहीं किया है बनाना, बनाते रहूँगा। और दोस्तों मैं अपने सभी होम स्टे हल्द्वानी की फैमिली को और व्यूअर्स जितने भी हैं हमारे सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, ताकि क्योंकि आप लोग मेरे को कई गेस्टों के फ़ोन आते हैं, कई बंदों के फ़ोन आते हैं, मतलब लेडीज़ भी उनके भी फ़ोन आते हैं रिगार्डिंग माय होम स्टे एकोमोडेशन, तो उसमें मतलब कुछ लोग तो ऐसे करते, भैया मैं आपका फ़ोन ट्राई कर रहा था, मैंने कहा भैया नंबर, कह रहे नंबर तो आप, मेरा नंबर जो है उसमें डला नहीं है, ऑफिस वाला नंबर डला हुआ है, फिर भी पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढूंढ के, अब होता ही है किसी से क्लाइंट से बात कर ली तो उनने शेयर करा क्या, तो मतलब काफ़ी प्यार मिलता है मुझे, मतलब फ़ोन में बात करके ऐसा लगता रहा कि मतलब वो भी ये सोचते हैं कि भाई अपना ही है, तो काफ़ी अच्छा लगता है इस चीज़ के लिए। और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग जो है बुकिंग करते हैं तो उससे भी करने की कोशिश करें और आएँ और हमें एक बार हॉस्पिटैलिटी का मौका दें। बाकी हम लोग सिस्टम को और इम्प्रूव कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। पंडित जी जो थे बता रहे हैं कि पंडित जी जो पुराने पंडित थे, जो पंडित जी थे वो उनकी तो वो ख़त्म हो चुके हैं, काफ़ी पुराने पंडित थे, उनको पता था सब चीज़ें नॉलेज के बारे में, ये लोग कह रहे हैं कि हमें उतना नॉलेज नहीं है तो हम गलत नॉलेज देंगे क्या फ़ायदा फिर ना, तो वो कह रहे हैं कि समिति है, समिति से आप बात कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा मार्केट कहाँ जाऊँ फिर कहाँ क्या बात करूँ, कोई नहीं मैं किसी दिन किताब पढ़ के इसके बारे में बता दूँगा। काफ़ी मंदिर है यहाँ पर काशीपुर में, काफ़ी मान्यताएँ हैं, और वो जो इसका उत्तराखंड के इतिहास में काफ़ी वो है जिसके बारे में बताया गया है, थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया गया है,
और जो पुरातत्व विभाग मैंने पहले भी बताया द्रोणा सागर में मिला है काफ़ी, तो मिलता हूँ, चल रहा हूँ, बाय। अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लग रही है देखो तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो, इससे और अच्छी वीडियो अपनी हर एक वीडियो में लाता रहूँ और आपको एंटरटेन करता रहूँ। तब तक के लिए बाय-बाय।